गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो है थोड़ी सी खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सर्टिफिकेट की जिसमें कि आप सभी लोगों को बहुत बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसके लिए। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं। इस वीडियो में हम हर एक स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके सारी क्वेरी यहाँ पर सोल्व हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी या कहीं पर भी आप सर्च करते तो किसी एक स्टेट के बारे में स्पेसिफिक पूरी डिटेल्स आपको मिलती है। आपको फिर होते हैं कि हम कहाँ से बनवाएं, यूपी के बारे में वीडियो तो बिहार वाले कहाँ से बनवाएं, हरियाणा वाले कहाँ से बनवाएं, पंजाब वाले कहाँ से बनवाएं। आज की इस वीडियो में आपको सभी स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ पर ऑफलाइन फैसिलिटी है, कितनी फीस लगती है, कब तक वैलिड होती है, कौन बनवा सकता है, क्या काम आता है, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो काम है, जब भी कोई एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के लिए जब भी कोई फॉर्म फिल करता है जहां पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई भी बेनिफिट है, तो वो वहां पर सबसे पहले जरूरत पड़ती है और उसी के लिए सबसे ज्यादा क्वेरी आती है। तो जहां पर भी मांगा गया वो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर गांव जिला सीतापुर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है। ये यहाँ पर है एक सर्टिफिकेट, इसी तरीके से एक ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का फॉर्मेट है। तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट का। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र की सबसे पहले अगर हम बात करें, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र कौन कौन बनवा सकता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेंट फोटो, यानी कि आपका फोटो चाहिए। सेकंड, पेंशन, अगर आपको पेंशन मिलती है, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन बनती है तो पेंशन ऑर्डर चाहिएगा, उसके बिना आपका स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, आपका एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी का जो कार्ड है वो आपका यहाँ पर चाहिए। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस फैसिलिटी को ऑनलाइन कर दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये है उत्तराखंड की वेबसाइट जो है आपकी eservices.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पर यही डॉक्यूमेंट है जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। फीस की बात करूँ तो उत्तराखंड में आप बनवा रहे हैं तो 30 रुपये की आपकी टोटल फीस है। टाइमलाइन है 10 दिन, 10 दिन में आपके पास बन के आ जाएगा। यहाँ पर लिंक है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और आपको अपना सर्टिफिकेट बना देना है। तो अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पोर्टल आपके पास खुल जाएगा। सिटीजन लॉगिन में आप अपना नया लॉगिन कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ में आपको दिखाई दे रहा है CSC, यानी कि आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर भी इसको बनवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया आपको मिलते हैं, रिमोट एरियाज में भी है, रूरल में भी है, अर्बन में भी है, हर जगह मिलेगा, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो। तो किसी भी CSC सेंटर पर जाकर भी आप बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो CSC सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप इसको जाकर बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरीके से, जैसे ये eDistrict.hp.gov.in है, ये हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट है, इनका भी अपना ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसकी फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेंट की गवर्नमेंट फ़ीस 7 रुपये है, 7 रुपीज़, उस पर 10 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी और 10 रुपये का आपका अलग से चार्जेस लगेगा, सुगम यूजर चार्जेस। यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई जैसे आप करेंगे, लॉगिन टू अप्लाई, आप इसको यहाँ पर बनवा पाएंगे। इसी तरीके से झारखंड की बात करें तो झार सेवा करके है, jharseva.jharkhand.gov.in, इससे भी आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर revenue.delhi.gov.in, यानी कि दिल्ली वाले भी अपना ऑनलाइन जो है यहाँ पर बनवा सकते हैं, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई फीस नहीं लगती है दिल्ली में। या फिर आप सीधा अपने एरिया के SDM को अप्रोच कर सकते हो किसी भी वर्किंग डे में, सुबह 10 से 1 बजे के बीच में, या फिर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, 14 दिन के अंदर ये इशू हो जाता है अगर आप दिल्ली में बनवा रहे हो, ठीक है। तो ये अप्लाई नाउ करोगे, आप ट्रैक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट को, तो ये यहाँ पर आप लॉगिन करके बनवा सकते हो अपना सर्टिफिकेट,
ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो MHA.gov.in की वेबसाइट है, यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो कोटा है इसके अंतर्गत आरक्षण का फायदा आपको सिर्फ तीसरी पीढ़ी तक मिलता है, यानी कि अगर आपके दादा दादी हैं, फिर आपके मम्मी पापा और फिर आप, अब तीसरी पीढ़ी हैं, तो आपको वहीं तक यह सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है, उससे नीचे आपके बेटे या बेटी को नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्रता सेनानी के लड़के लड़कियों या फिर उनके पोते पोतियों को ही इसका लाभ मिलता है, इसके आगे किसी को इसका लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ तक ही आपका ये बेनिफिट कवर है। अब बात आती है कि फिर कौन बनवा सकता है इसको, तो इस योजना के तहत जो है बेसिकली, जैसे कि 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अंबाला कैंट के दौरान स्वेज नहर सेना विद्रोह था, झांसी रेजिमेंट केस है, INA में झांसी रानी रेजिमेंट, आज़ाद हिंद फौज, 1940 में कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा जो आयोजित हुई थी होलविल विद्रोह आंदोलन, उसमें किसी ने पार्टिसिपेट किया है, या फिर रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह खिलाफत आंदोलन है, उसके अलावा हर्ष चीन मोर्चा, मोपला विद्रोह, हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आंदोलन, मदुरई षड्यंत्र केस, गदर पार्टी मूवमेंट, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा है जैसे कि तरन तारण मोर्चा, नैनकाना त्रासदी फरवरी, स्वर्ण मंदिर के मामले, गुरु का बाग मोर्चा, बाबर अकाली आंदोलन, जैतो मोर्चा, भाई फेरू मोर्चा, सिख षड्यंत्र, स्वर्ण मंदिर का जो है, इसके अलावा प्रजा मंडल आंदोलन, कीर्ति किसान आंदोलन, नौजवान सभा, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय सेना, भारत में फ्रांसीसी और पुर्तगाल शासन का जो भारत में मिला हुआ था उस टाइम कोई है, चोरा चोरी कांड, जलियांवाली बाग हत्याकांड, कर्नाटक का आरण्य सत्याग्रह, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, कलीपट्टनम आंदोलन, कलाड़ा पंगोड़ मामला, कड़गन दंड प्रकरण, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके, ये सारे आंदोलन हैं जिसके लिए आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह कयूर आंदोलन, मोराजा आंदोलन, माराबार, विशेष पुलिस स्ट्राइक, दादरा नगर हवेली, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, कुका नामधारी आंदोलन, इन सभी के लिए, तो मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपके कवर किए गए हैं। इन सभी के लिए जो भी आपने अगर है रजिस्टर किया है या कभी आपने है कोई भी आपका फ्रीडम फाइटर, तो आप इसके लिए यहाँ पर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसके लिए बनवा पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो अप्लीकेंट को क्या करना होता है अगर आप ऑफलाइन बनवा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन की फैसिलिटी हर एक स्टेट में तो अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑफलाइन बनवा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको बनवाना है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो है हायर अथॉरिटी के पास जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। फिर अप्लीकेंट को सबसे पहले कहाँ जाना होगा, जो भी आपके एरिया का DC है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, SDM है, वहाँ पर आप जा सकते हो, उसी ऑफिस में जाके आपका ये बनता है। आपको ऑफिस में जाना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ऑफिस की, जिस भी DM आपका ऑफिस का एरिया है वहाँ की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से डिटेल ले सकते हो। आपको अप्लीकेंट फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है, अपनी नेसेसरी डिटेल्स, उसमें आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे, आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन में सारे कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर आपको जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसमें आप जाके इसको सबमिट कर दोगे। अगर किसी स्टेट में कोई फीस है तो वो फीस आप पे कर दोगे कंसर्न अथॉरिटी को। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऑफिसर है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स को वैलिडेट करेगा और जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा एक एक्नॉलेजमेंट और रिसीविंग स्लिप के साथ। फिर वेरिफिकेशन जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे कि तहसीलदार ये सब, और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है सर्टिफिकेट बनता है। वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर की वेरिफिकेशन होगी, और जैसे ही सारी वेरिफिकेशन आपकी पॉजिटिव है, सारी अथॉरिटी सेटिस्फाई हैं, तो आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस हो जाएगा। जब ये एक बार प्रोसेस हो गया, सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाएगा, तो आपको SMS और ईमेल के जरिए कॉल आ जाएगा, आपको अपडेट आ जाएगी या कॉल भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, सर्टिफिकेट रेडी है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट और रिसीविंग स्लिप दी थी उसको आपको लेकर जाना है और आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ऑफलाइन प्रोसीजर। अब कुछ एरिया में, कुछ स्टेट में लगभग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम है, जैसे कि आपका
जो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको वो फिल करना है। सेकंड, फिर आपका एक एफिडेविट लगता है, उस पर जो आपकी स्टैंप लगेगी, स्टैंप जो होती है वो 3 रुपये वाली आपकी उस पर स्टैंप लगेगी, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी जो है वो उसको स्टैंप साइन करेंगे। उसके बाद जो है आपका ताम्रा पत्र यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो आपका पीपीओ है, जो आपको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट ऑफिस से फ्रीडम फाइटर के लिए, उसकी आपको फोटोकॉपी लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की प्लेस ऑफ रेजिडेंस के लिए यानी कि रेजिडेंट प्रूफ आपका, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद है आपका कि कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन इन होम फेवर द रिक्वेस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इज मेड। तो अगर बच्चे का बनवाना है या पोते पोतियों का बनना है, जिसका भी बनना है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिएगा, जिसके भी नाम से फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनना है, जिसको भी बेनिफिट लेना है, ठीक है। उसके बाद फैमिली इंडेक्स सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका राशन कार्ड होता है, इस तरीके का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका फोटो जो कि आपकी ये दिखाए कि हाँ ये जो फ्रीडम फाइटर है वो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फोटो चाहिए। फिर फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड और बाकी जो भी एड्रेस डॉक्यूमेंट में दिया वो सब आपके यहाँ पर पैन कार्ड के साथ साथ वो भी यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। एक कन्फर्मेशन लेटर चाहिए होगा, अगर प्रधान जो है गांव का वो इसके लिए कन्फर्मेशन लेटर देगा। फिर एड्रेस प्रूफ आपका, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब हो गया, तो ये सब आपको देने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे अगर आप फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। मैंने आपको बता ही दिया कि डिपेंडेंट सन, डॉटर, वाइफ ये हों या फिर पोते पोतियों तक ही मिलता है, थर्ड जनरेशन तक ही मिलता है। एप्लीकेंट जिस स्टेट का था उसी स्टेट में आपका ये सर्टिफिकेट मिलेगा, बनेगा, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर जिसको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, उसी का फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनेगा, बाकी को नहीं बनेगा। वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी आपकी फोर एवर होती है, लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। फीस वेरी कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट, कहाँ पर सिर्फ 7 रुपये, कहीं पर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, कहीं पर फ्री भी है, कहीं पर 100-200 रुपये भी है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, आप अपने स्टेट के अधिकारियों से जाकर इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम बात करें तो कहीं पर आपको 1 वीक में मिल जाएगा, कहीं पर 10 दिन में, और कहीं पर आपके 2 महीने तक लग सकते हैं। ये भी आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कितने दिन में वो सर्टिफिकेट बनाते हैं। इस तरीके का ये एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जहाँ पर कि आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पर आपको अपना नाम, आपके पापा या पिता पति का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, आपके दादा दादी नानी जो भी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है उसका नाम फिल करना है, फिर उनका पूरा पता होगा, उनको पेंशन जो मिलती है उसका पीपीओ का ऑर्डर, क्या संबंध है आपका वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस है परमानेंट, और जो है आपका कंप्लीट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि परमानेंट कौन सा है आपका और प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, वो हो जाएगा। और इस तरीके का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास बनकर आ जाता है। तो ये था आपका पूरा सर्टिफिकेट का डिटेल्स। अब है आपके लिए पूरी डिटेल्स, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि आप कहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। तो आपका जो भी एरिया है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, उसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डीसी जो बैठता है जहाँ पर, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं, डीसी जो बैठता है वहीं पर आपको जाना है, उसी ऑफिस में बनेगा, ठीक है। तो जिस भी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहीं पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस लिखा है, आप जो भी आपका स्टेट है उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेबसाइट और ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर जहां पर अवेलेबल हो पाया वो अवेलेबल है, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसका आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया है। झारखंड, अगेन इसका भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इसके लिए आप ऑनलाइन प्रेफर करें। कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अगेन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली का भी आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना,
त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड का ऑनलाइन अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड भी है। So, ये थे आपके सारे स्टेट्स जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस किस का बन सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, ऑनलाइन आप कैसे बना सकते हैं, ऑफलाइन आप कैसे बनवा सकते हैं, वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन में सर्टिफिकेट बनता है और कितनी फ़ीस लगती है। आई होप अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल, कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।